हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस शॉर्ट टॉपिक के वीडियो में। तो जैसा कि मैं आप सबको हमेशा कहता हूँ कि लॉन्ग वीडियोस ठीक है डिटेल में पढ़ने के लिए, लेकिन जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं वो टू द पॉइंट होते हैं और कम से कम समय में हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या अंतर है। बहुत शॉर्ट में देखेंगे, जितना ज़रूरी है जिस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और मुझे लगता है 5 से 7 मिनट में आपको पूरा समझ में आ जाने वाला है और उसके बाद आपको एक्स पोस्ट फैक्टो और एक्सपेरिमेंटल में कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए बिना डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब जहाँ पे कंट्रोल्ड सेटिंग्स होती हैं। कंट्रोल्ड सेटिंग्स का मतलब है कि एक लैब बनाई जाती है जो रिसर्चर के नियंत्रण में होती है ना जी, और उस लैब के अंदर पार्टिसिपेंट से कुछ उन पे कुछ प्रयोग किए जाते हैं और डेटा को कलेक्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट जब भी होता है तो जनरली दो वेरिएबल्स इंक्लूडेड होते हैं। एक वेरिएबल होता है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल होता है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक कारण होता है जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल उसका इफेक्ट या परिणाम होता है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर के द्वारा कंट्रोल्ड सेटिंग्स में हो रही है, यानी उन सेटिंग्स को रिसर्चर ने खुद ही बनाया हुआ है, तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है जो कारण प्रदान कर रहा है उस वेरिएबल को रिसर्चर अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, यानी अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकता है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहां पे मैनिपुलेट करना संभव होता है, और मैनिपुलेट करने से जो इफेक्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसे रिसर्चर ऑब्जर्व करता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि किसी दवाई पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो रिसर्चर जो है उस दवाई की मात्रा को घटा बढ़ा सकता है, ये रिसर्चर के नियंत्रण में है, और फिर वो इफेक्ट देखता है कि जो उस दवाई का डिजायर्ड आउटपुट है, जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जनरली मैं यहाँ पे कोरोना के वैक्सीन का एग्जाम्पल देता हूँ। आप सबको पता था कोरोना की वैक्सीन कभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे थी, कभी टेस्टिंग हो रही थी उसके ऊपर। तो वहां पे रिसर्चर क्या कर रहे होंगे, कोरोना की जो वैक्सीन है उसे वो घटा बढ़ा रहे होंगे, उसे वो अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर रहे होंगे, ताकि इसका ये कितना क्योर कर पा रहा है कोरोना वायरस को, इसको जांचने के लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है कंट्रोल सेटिंग्स में होती है, जहां पे पूरा कंट्रोल होता है रिसर्चर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके यानी अपनी मर्जी से घटा बढ़ा के डिपेंडेंट वेरिएबल पे आने वाले ऑब्जर्व को नोटिस करता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की। तो हम बात करते हैं अब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की। यहां पे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, व्हाट इज एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब है ऐसा फैक्ट, कोई ऐसी बात जो ऑलरेडी अवेलेबल है। पोस्ट मतलब जो हो चुकी है और है अभी हमारे पास, है ना, ऑलरेडी अवेलेबल फैक्ट। पहले से मौजूद कोई जब डेटा हमारे पास है, कोई फैक्ट हमारे पास है, कोई बात हमारे पास ऑलरेडी हमारे चारों ओर मौजूद है, हमें उसे करने की जरूरत नहीं है, हमें उस पर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी रिसर्च जब हम करते हैं तो उसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं, है ना। तो अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और देखते हैं कि ये कैसे उससे अलग है। तो देखो भाई, यहां पे एक्स पोस्ट फैक्टो में भी सेम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के तरीके से ही दो वेरिएबल्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, है ना। इफेक्ट को हमें ऑब्जर्व करना होता है, लेकिन कॉज का जो वेरिएबल होता है उसे रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर सकता, है ना। तो जैसे हमने ऊपर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखा कि यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कारण उत्पन्न करने वाला जो वेरिएबल है उसे रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, बट यहां पे जो रिसर्चर है जो कॉज वाला वेरिएबल है उसे रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर सकता या नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहां पे ये जो कॉज है, जो कारण है, वो क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो है। तो ये कॉज जो है पहले से ही
अवेलेबल है ना। तो उसी को उसी के हिसाब से रिसर्चर बस ऑब्जर्व करता है कि इसका प्रभाव क्या आ रहा है। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने एग्जाम्पल लिया कोरोना का, लेकिन अगर हम यहां एग्जाम्पल लें कि वेट का कॉन्फिडेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। मान लो हमारी रिसर्च का जो टॉपिक है वो ये है कि वेट के कम ज्यादा होने का कॉन्फिडेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कॉजल वेरिएबल क्या है, वेट। वेट एक कारण है और इसका प्रभाव किस पे होगा, कॉन्फिडेंस लेवल पे। तो वेट का कॉन्फिडेंस लेवल पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो टॉपिक है ये किसी लैब कंट्रोल्ड कंडीशन में तो नहीं फॉलो किया जा सकता कि भाई हम एक लैब बनाएं वहां पे हर प्रकार के लोग बुलाएं। तो यहां पे सबसे पहले तो कंट्रोल्ड सेटिंग्स नहीं होती, रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है ना। यहां पे आप कह सकते हो कि एक्चुअल सेटिंग्स होती हैं, यानी कि आपके चारों ओर जो लोग अवेलेबल हैं उनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, लेकिन लैब में बुला करके रिसर्च संभव नहीं है। दूसरी चीज क्या नहीं हो सकती कि आप किसी रिस्पोंडेंट के या पार्टिसिपेंट के वेट को अपने मर्जी से कम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग प्रकार के वेट के लोग आपके चारों ओर अवेलेबल हैं। आप उनसे डेटा लेंगे और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनको नाप सकते हैं उस क्वेश्चनियर की एनालिसिस करके, लेकिन इसीलिए आप यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बाकी पूरा प्रोसेस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसा है ना, कि वेट भी है, इसका प्रभाव भी कॉन्फिडेंस पे पड़ रहा है। बस एक डिफरेंस क्या है कि क्योंकि ये कॉजल वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, है ना, स्वतंत्र नहीं है कि आप उसको अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर पाए, ये आपके चारों ओर ऑलरेडी डेटा विद्यमान है, यानी एक एक्स पोस्ट फैक्टो है, एक ऐसा फैक्ट है जो एक्स पोस्ट है, यानी कि ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहां पे कैसे आगे की रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, यहां रिसर्च को हम ऐसे कंडक्ट करेंगे कि अलग अलग प्रकार के वेट के जो लोग हमारे चारों ओर हैं उसमें से हम मान लो तीन कैटेगरी बना सकते हैं, एक नॉर्मल वेट वाले लोग, एक अंडर वेट वाले लोग और एक ओवर वेट वाले लोग, और इन तीनों का हम कॉन्फिडेंस लेवल माप सकते हैं, है ना, यही कर सकते हैं। तो यहां पे हम जैसे देखो ऊपर क्या हो रहा था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, हम क्या कर रहे थे कि कोरोना की जो दवाई है उसकी मात्रा को हम कम ज्यादा कर रहे थे अपनी मर्जी से। वेट को एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप बना लिए अलग अलग वेट वालों के और फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमने माप लिया। तो ये डिफरेंस होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। बाकी का आप देखते हो सारा प्रोसेस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसा है, इसलिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का दूसरा नाम क्वासाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी है। क्वासाई एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंटल जैसा दिखता तो है एक्स पोस्ट फैक्टो, लेकिन वो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है, दिखता है वैसे। और इसका दूसरा नाम कैजुअल कॉम्पेरेटिव रिसर्च भी है। ठीक है, कैजुअल कॉम्पेरेटिव रिसर्च क्यों, क्योंकि आप यहां देख सकते हो अलग अलग वेट के लोगों को हमने अलग अलग ग्रुप्स में बांटा और उनकी कंपैरिजन करके हम ये पता लगा रहे हैं कि किसका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा और किसका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। तो आई होप इससे समझ में आ गया होगा कि क्यों एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को हम क्वासाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट हो सकता है, बट एक्स पोस्ट फैक्टो में ये वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं हो सकता। और मैंने आपको एक और इसका नाम बताया कैजुअल कॉम्पेरेटिव रिसर्च, क्योंकि इसमें जो भी हमारा कॉजल वेरिएबल होता है उसे अलग अलग भागों में बांट के उन भागों की या उन ग्रुप्स की आपस में कंपैरिजन करा के ही हमारा रिजल्ट आता है। तो गाइज आप देख सकते हो कम से कम समय में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही शॉर्ट में भी एक्सप्लेनेशंस चाहते हो डिफिकल्ट टॉपिक्स के यूजनेट पेपर वन के, तो मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। और वीडियो अच्छा लगा तो उसे दोस्तों से शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।